और पाओ इधर वेख तेरी उम्र 50 साल हो गई है, कुछ तेरे को कोई अद्धे घंटे का एक भी सजदा है जिहड़ा अल्लाह की बारगाह च पेश कर सके? टकरा मार के उम्र गुजार दी हो, कोई 35 साल का नौजवान मेरे मजमे चो उठे और कवे के शेख साहब मैं रात की तरीकी अंदर अपने अल्लाह के सामने 35 मिनट का सजदा करना, 40 मिनट का सजदा करना। आज जिंदगी जिन्नी नौसत है अल्लाह की कसमें है ही नमाजा जदों दियाँ टकरा बन गई ने ना अल्लाह ने जिंदगी का नूर ही खत्म कर दिता है। वरना तनहाई च बंदा लम्बे सजदे करने वाला होवे अल्लाह अपने बंदे की जिंदगी की मट्टी भी सोना बना देता है। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ذی وقار سامعین حضرات खुतबाए जुमातुल मुबारक अंदर अव्वल वक्त अंदर आना ये अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर कबूलीयत दी निशानी है। यानी तुसी ये बात कह सकते हो कि जिसनु अल्लाह तबारक व ताला ने खुतबाए जुमातुल मुबारक अंदर अव्वल वक्त आन दी तौफीक दिती है और फिर वो तवज्जो नाल बैठदा है, दाएं बाएं इल्तिफात नहीं करता और लोगों दियाँ गर्दना नहीं फैलांगदा, खामोश हो के बड़े ही अदबो एहतराम दे नाल खुतबाए जुमातुल मुबारक अंदर हाजरी करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसनु अजरो सवाब भी अता करते ने, अल्लाह पाक उस दे गुनाह भी मुआफ़ करते ने, अल्लाह पाक उसनु बरकत भी अता करते ने और अल्लाह पाक उस बंदे नूं अपनी बारगाह की कबूलीयत भी अता फरमा देंदे ने। ये जिहड़ा खुतबाए जुमातुल मुबारक है ये हद्दे फासिल है, यानी अगर तुसी किसी बंदे नूं परखना होवे ना कि इसका रब ना की ताल्लुक है और अल्लाह दे हाँ इसका की रुतबा है, वो खुतबाए जुमातुल मुबारक की रूटीन चेक कर लो। अगर वह इमाम दे मिंबर तो आन तो पहले पहले पूरी मोहब्बत और अदबो एहतराम दे नाल अल्लाह दे घर दा हया करके अल्लाह दे घर अंदर बैठदा तो इस बात की दलील है कि वह अपने अल्लाह नाल प्यार करदा और अल्लाह पाक उस नाल प्यार करदे। तो मैं अल्लाह दे हुजूर दुआ करना तो जो मेहरबान रखो, कुछ बच्चे मुड़ के देख रहे ने, बेटा आम प्रोग्राम अंदर भी पीछे मुड़ के नहीं देखीदा, एक खुतबा जुमातुल मुबारक है, यदि एक खास इज्जत है और यदि एक खास हुरमत है। तो मैं दुआ तो बाद इंशाल्लाह अपनी बात दा और मौजू दा आगाज़ करना, सारे मोहब्बत नाल आमीन कहना। जिवें तुसीं अव्वल वक्त इस खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर आए हो, अल्लाह तुहानूं बच्चियां नूं, जवानां नूं, बुजुर्गां नूं और खवातीन नूं सब नूं इस तरह अव्वल वक्त बैतुल्ला के अंदर अल्लाह खुतबा जुमातुल मुबारक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं मुसाफिर दी अल्लाह दे दीन दे राही दी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला तुहानू अपनी कमाल रहमत दे नाल मस्जिद नबवी दे खुतबात जुमा नसीब फरमाए। जिहड़े तुहाडे खानदाना चो फौत हो गए ने, जुमे की कड़ी एक कबूलीयत की कड़ी है, मैं गाहे गाहे दुराने खुतबा भी दुआ करांगा। तुसी तवज्जो मेहरबान रख के बड़ी मुहब्बत नाल आमीन कहनी है। मेरा ईमान है, यकीन रासिख है कि अल्लाह इंशाअल्लाह रद्द नहीं करेगा। तुहाड़े खानदान चो जिहड़े फौत हो गए ने अल्लाह पाक जन्नत अंदर उन्हां नूं आला मुकाम अता फरमाए। जिहड़े बीमार ने अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल उन्हां नूं सेहत याब फरमाए। इलाहुल आलमीन सानूं सारी जिंदगी किसे इंसान दा मोहताज ना करी, अल्लाह सानू अपने फजल ते अपनी रहमत ना मालामाल फरमा दे।
और इलाह आलमीन जिन्हों को बेटे नहीं अपनी रहमत दे नाल तेरी रहमत बड़ी वसी है वो इब्राहिम ते बुढ़े बारे हो जाए हज़रत ज़करिया ते हो जाए तू फजल अजीम दा मालक है। अल्लाह पाक जिन्हों को बेटे नहीं कमाल रहमत दे नाल बेटे अता फरमा दे। अल्लाह जड़े बेरोज़गार ने इज्जत वाला रोज़गार अता फरमा दे और सानू कल कियामत वाले दिन बगैर हिसाब दे अल्लाह अपनी जन्नत दा दाखला नसीब फरमा दे। अज दा जिहड़ा खुतबा जुमातुल मुबारक है ये इंशाल्लाह जिथे हाजरीन मुस्तमईन जिहड़े खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर मेरे सामने तशरीफ फरमाओ उन्हां वास्ते भी इंशाल्लाह पूरी जिंदगी दा एक सिलेबस है और इंशाल्लाह जिहड़े दोस्तो अहबाब यूट्यूब ते हज़ारां दी तादाद अंदर सुणनगे उन्हां वास्ते भी ये बड़ा बेहतरीन एक खैर दा पैगाम है जो जामिया तलीमुल कुरान वल हदीस वल्लों इंशाल्लाह अल्लाह दी तौफीक दे नाल पहुँचेगा। तो मैं अपनी बात दा तमहीदी तौर पर आगाज़ करना हुण ज़रा तवज्जो मुकम्मल मेरे वर रहे। मेरे प्यारे भाइयों सामईनों सामियात दुनिया दारुल इब्तलाए दुनिया दारुल मिहने दुनिया दारुल फितने इहदा मतलब ए वे कि दुनिया च इंसान कितना भी नेक बन के रवे ना तहज्जुद गुजार शब जिंदादार आला तो आला नेकी करने वाला हत्ता कि वह रब दा नबी भी होवे सारे मिल के बोलो आजमाइश दे कोलों बच सकदा। ये आजमाइश खाना है इत्थे अल्लाह बंदे नू चैक करदे ने बंदे दा किरदार चैक करदे ने बंदे दा अकीदा चैक करदे ने कदी अल्लाह दे के अजमांदे ने कदी दे के लैके अजमांदे ने ते कदी अल्लाह ताला सिरे तो अता ही नहीं करदे। अगर किसे नू रिजक नहीं मिलिया वो अपने आप नू मनहूस ना समझे अगर किसे नू पुत नहीं मिलिया वो अपने आप नू महरूम ना समझे। मैं कहना मेरा एक जुमला ही अज दे खुतबे अंदर काफ़ी है और मेरे प्यारे भाइयो अगर अल्लाह तबारक व ताला किसे नू दे रहा है तो इहदे अंदर भी अल्लाह की हिकमत है तो मिल के बोलो जे अल्लाह किसे नू नहीं दे रहा तो इहदे अंदर भी अल्लाह की हिकमत है तो जे दे के अल्लाह लै रहा है तो इहदे अंदर भी सोहणे अल्लाह की हिकमत है। इस वास्ते कई लोगों का ज़हन बन जाता है मैं अक्सर दोस्त आते हैं शेख साहब मैं तुहाडा फलाना वजीफा किया लेकिन कारोबार नहीं मिलिया औलाद नहीं मिली मैं नमाजा पढ़ना मेरा फलाना मसला हल नहीं होया। असी बई नेक अमाल सिर्फ दुनिया ते अल्लाह को सारा रिजल्ट लैन वास्ते नेक अमाल नहीं करते असी ते नेक अमाल इसलिए करने हैं कि साड़ी आखरत बन जाए साड़ा एंड सोहना हो जाए। तो बाहर सूरत तुसी ए बुनियादी तौर पर ना जेन अंदर रखो इनू रस्मी खुतबा ना समझो मैं अल्लाह की तौफीक ना दर्जनों किताबों का खुलासा तुहाडे सामने रखना है और एक बड़ा फिक्री और बड़ा मनहजी नज़रियाती खुतबा तुहाडी खिदमत पेश करना है जरा तवज्जो मेरे वल रखना। बस अपना जेन बना के जिंदगी के थोड़े जे साह पूरे करो कि तुसी इम्तिहानी सेंटर च बैठे हो हुण बंदा इम्तिहानी सेंटर च बैठा होवे ते ओ कवे कि मैनू सवाल कदली पै गए ने सवाल आने ही आने ने इम्तिहानी सेंटर बनता ही इस वास्ते वे ताकि बंदे नू सवाल करके इहदे को जवाब लिया जाए। तो यह जिहड़ा जिंदगी दे अंदर किसी नू बेटा नहीं मिलता किसी नू रिजक नहीं मिलता किसी नू सेहत नहीं मिलती या किसी का कर्जा नहीं उतरता या किसी नू को बेटी वालों दुख तकलीफ मिलता ये इंसानी जिंदगी दे मुसलमानी जिंदगी दे सवालात ने इनू अच्छे तरीके दा नाल इहदे जवाबात लिखते जाओ जदों इम्तिहानी सेंटर खत्म होएगा आखिरी साह तुहाडा टुटेगा अल्लाह तबारक व ताला तुहानू जन्नत दियां बहारां अता फरमा देणगे। इस वास्ते जिन्हां लोगों ने आ ज़ेहन बनाया ना कि इत्थे ही अयाशी करके जानी है इत्थे ही सारियां ख्वाहिशां पूरियां करके जानियां ने थोड़ा जिहा माइंड सैट अपना चेंज करो इत्थे रलवा मिलवा मामला ही रहना है कभी मिल गया कभी खुस गया कभी ना मिलया कभी डिग पै कभी सेहत हो गई कभी दिल के मुताबिक अल्लाह ने मामला करता कभी ना करता। तो मेरे प्यारे भाइयो इंसान ते जड़ी अजमैश आती है कोई तकलीफ आती है ये भी अल्लाह पाक की रहमत है ये भी सलावात है ये भी हदायत है। पता है ना अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया
फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुई व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अन्फुसि वस्समरात वबशिर साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون फरमाया आजमैश आके रह गई पर गद्दार ना बनियो। कान खोलियो दोस्तों और तलीमुल कुरान वाल हदीस इस इलाके दे तारीख साज और बहुत ही काबल तरीन अदारे अंदर आने वालों, अल्लाह फरमाते ने आजमाइश आएगी, दुख आएगा, नुकसान होएगा, पर जेड़ा बंदा साढ़े नाल गद्दारी नहीं ना करेगा, छल्ले कड़े धागे नहीं ना पाएगा, साढ़े नाल शिरक नहीं ना करेगा, गैरां दियां चौकटां ते जाके नहीं ना चुकेगा, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमांदे ने मैं उन्होंने हदायत की डिग्री भी दे देंगा, मैं उन्होंने अपनी रहमत भी नाजिल कर देंगा, तो मैं उन्होंने अपन सलवात भी नाजिल कर देंगा। इस वास्ते तुहानू सेहत नहीं मिली, या अल्लाह ना करे कोई बेटी का मसला है, औलाद नहीं मिली, कोई कारोबारी बंदिशां रुकावटां ने, गद्दारी नहीं करनी, ढिलिया नहीं पैना, इधर वेखो परेशान नहीं होना। मैनू बड़ी तकलीफ हुंदी है जदों मैं किसी नौजवान बुजुर्ग नूं वेहना ना, माशाला सीधा साधा नमाजी, किसी ना वादी घाटी नहीं करन वाला, आ छोटिया छोटिया गल्लां तो जदों सिर लमकाई फिरदा है ना, अल्लाह जानदा दिल नूं बड़ी तकलीफ हुंदी है। भाई जान, अल्लाह तबारक व ताला ने जिहड़ा दुनिया का सैटअप बनाया है ना, इत्थे असीं बीज बोना है, फल इंशाला क्यामत वाले दिन कट्टना है। इत्थे जिड्डी वड्डी अजमैश आ जाएगी ना, अल्लाह रहम फरमाए, ये अल्लाह पाक दे कुरब दी दलील है। अगर नमाजा पढ़ के, रोजे रख के, कुरान पढ़ के, इधर वेखो बच्चियां नू हाफज बना के, धियां नू पर्दा करा के, रब रब करके फिर भी कोई तुहाडी रब नहीं ना पिया सुनदा, वो ये दी अंदर हजारां हिकमतां ने। लेकिन मैं इंशाअल्लाह रहमान आज दे खुतबा जुमातुल मुबारका अंदर तुहाडे सामने हिफाजती पैकेज बयान करना है। केड़ा पैकेज? हिफाजती पैकेज बयान करना है इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। इस हिफाजती पैकेज अंदर मैं चार चीज़ां तुहाडे सामने रखांगा। जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी अंदर चार चीज़ां का ख्याल करता है ना, पहली तो गल ये अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा अजमैशों तो बचा के रखता है। जे अजमैश आ जाए अल्लाह तबारक व ताला उहदा बोझ हल्का कर देंदा है, ते जे बंदा इन्हां चारों चीज़ों पर कारबंद रहे तो अल्लाह पाक जल्द अज जल्द अपने बंदे नूं अजमैशों तो निजात अता कर देंदा है। जिवें तुसीं वेखदे हो ना, पोलियो तो बचण वास्ते, माजूरी तो बचण वास्ते, या मुख्तलिफ जिहड़े वायरस ने, जरसूमे ने, इन्हां तो बचण वास्ते बच्चियां नूं हिफाजती टीके लगाए जांदे ने ना, ताकि बच्चियां ते हमला ना होवे, अजमैश तो बचे रहन, तकलीफ तो बचे रहन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं बड़े ही इख्तसार दे नाल आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर अल्लाह पाक दे पूरे दीन चों तुहाडे सामने चार चीज़ां बयान करना। इन्हां ते मेहनत करो और अपनी तवज्जो इत्थे रखो। आजमाइशां दा ज़्यादा आना या आजमाइशां दा बढ़ जाना, आजमाइश अंदर महरूमी, अंदर उदासी, अंदर नुकसान, अंदर तकलीफ दा बढ़ जाना, बेचैन हो जाना और अंदरों खोखलिया हो जाना, यह साड़ी गफलत दा नतीजा है। जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी इन्हां चार अमाल दे इर्द गिर्द गुजारदा है, अल्लाह पाक उन्हूं हयाते तय्यबा अता फरमाते ने, मुबारक पकीजा जिंदगी अता फरमाते ने। जिहड़ा बंदा है चार अमाल अपनी जिंदगी अंदर, चार अमाल जिंदगी खुशहाल। अज दे मेरे मौजूदा नाम है चार ऐसे अमाल के जिससे सारी जिंदगी खुशहाल।
जेड़े मेरे बेटे हिफज करते हैं वह भी तवज्जो दे नाल सुनो, जेड़े नौजवान बुजुर्ग खवातीन तशरीफ फरमा ने वह भी इन्हां ते गौर फरमाओ। गफलत चो बाहर निकलो, रमज़ान आ रहा है, ये अंदर रमज़ान की भी तैयारी है। लो आइए मैं सब तो पहला अमल बयान करना जिद नाल इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताड़ियां ख्वाहिशां भी पूरियां करेगा, रब तुहाडे दुख भी दूर करेगा, अल्लाह हर किस्म के छोटे बड़े दुख तो बचाएगा, उदे बोझ चो बाहर कढ़ेगा। और जेडे हर वेले बेचैन रहिंदे ने ना, अल्लाह पाक बेचैनी की कैफियत खत्म करके उन्होंने रूहानीयत ते तुमानीनत इन चार अमाल की बरकत दे नाल अता फरमा देंगे। लो जरा हुण तवज्जो फरमाना, इलाहुल आलमीन ने की फरमाया, फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के, जेड़ा बंदा अल्लाह फरमाते ने मेरे ते ईमान ले आ गया, चार अमाल करता है, असी ओदी जिंदगी अजमैशा तो पाक फरमा देने, अदी ओदी जिंदगी दुखां तो पाक फरमा देने, असी ओदी जिंदगी महरूमिया तो पाक फरमा देने, असी ओदी जिंदगी उदासियां तो पाक फरमा देने, असी ओदे दिल दियां ख्वाहिशां पूरियां फरमा देने, असी ओदे लई आसानियां आसानियां फरमा देने। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते ने असी उन्हें हयात तय्यबा अता करांगे। तलीमुल कुरान वाल हदीस अंदर आने वालो, अल्लाह पाक दी जन्नत दी जिंदगी भी हयात तय्यबा है, अल्लाह तुहानू इत्थे भी हयात तय्यबा अता करेगा। सुनिए जिहड़ा मैं सब नालों पहला अमल बयान करना चाहना, नबी कुल कायनात इमामो लंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी अजमैशा तो पाक रखनी चाहता है, जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दुखां तो पाक रखनी चाहता है, जेड़ा बंदा महरूमी तो बचना चाहता है, उदासी तो बचना चाहता है, जेड़ा बंदा अपने मन दियां नेक ख्वाहिशां पूरियां करवानियां चाहता है, सब नालों पहला अमल वे कसरत दे नाल जिक्र करिया करो, कसरत दे नाल अल्लाह पाक दा जिक्र करिया करो, कसरत दे नाल वज़ाइफ पढ़िया करो, कसरत दे नाल अज़कार पढ़िया करो। सुबह दे अज़कार अपने ते लाजम कर लै, शाम दे अज़कार असर तो बाद मगरब तो पहले अपने ते लाजम कर लै, रात दे अज़कार अपने ते लाजम कर लै। जेड़ा बंदा सुबह दे अज़कार पढ़दा है, शाम दे अज़कार पढ़दा है, रात दे अज़कार पढ़दा है, कसरत दे नाल अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र करदा है। फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ओए भुलिया ना करो, सुबह दे टाइम सुबह दे जिक्र करिया करो, शाम दे टाइम शाम दे जिक्र करिया करो, रात दे टाइम रात दे जिक्र करिया करो, ते बहुत ज्यादा करिया करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाते ने अजमैशा तो पाक जिंदगी अता कर देंगा, हादसा तो पाक जिंदगी अता कर देंगा, और बीमारियां तकलीफा तो पाक जिंदगी अता कर देंगा, खुशहालियां ते बरकतां बरकतां बहारां बहारां कर देंगा। आइए अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया है, कसरत दे नाल जिक्र करो, मैं अल्लाह तुहानू कामयाब कर देंगा। यार चल दे फिर दे ए मसाइब तो बचन लई, दुखां तो बचन लई, तुहानू कोई लाल धागा पाउण दी लोड़ नहीं, तुहानू कोई कड़ा छल्ला पहनण दी लोड़ नहीं, तुहानू गले अंदर कोई तवीज़ लटकाउण दी लोड़ नहीं। साडा दीन सानू दसदा जिहड़ा बंदा कसरत दे नाल चलदा फिरदा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिहड़ा बंदा दिन दे अंदर हजारां दी तादाद अंदर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़दा रहिंदा, अल्लाह उहदी जिंदगी मुसीबतां परेशानियां तो पाक फरमा देंदे ने।
यार मेरे समेत गौर करो, हाँ कल जुमे रात का दिन गुजर गया। अक्सर भरा कहें शेख साहब बेटा नहीं मिलिया, सेहत नहीं मिली, कर्जा नहीं उतरिया, शेख साहब मैं फलानी टेंशन अंदर हाँ, फलानी टेंशन अंदर हाँ। मैं फैसलाबाद तो जुमे के जरिए तुहानू यह गल पूछन आया, कल किन्नी हज़ार दफा लाहौला वलाक हुआ था, इला बिला पढ़े आ जे, फजर तो बाद किन्नी सौ दफा पढ़े आ जे, जोर तो बाद किन्नी सौ दफा पढ़े आ जे, असर ते मगरब के दरमियान किन्नी दफा पढ़े आ जे। और मेरे भाई जे तू ला हौला वला कुवत इल्ला बिल्ला दे हसार अंदर अपने आप नू नहीं ना रखदा, तू जान बुझ के अपने आप नू दुखां दी वादी अंदर सुटिया। साइकिल चलांदा मोटरसाइकिल चलांदा, अपने बिस्तर ते लेटिया ते अपनी दुकान ते बैठा, कसरत दे नाल अल्लाह दा जिक्र करिया कर, घर दाखिल होण लगा बिस्मिल्ला पढ़िया कर, घरों बाहर निकलन दी दुआ पढ़िया कर, वाशरूम जाण लगा दुआ पढ़िया कर, वाशरूम चो निकलन लगा दुआ पढ़िया कर। इधर वेख घर च तू अठत्ती बारी भी दाखिल हो ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, गुस्सा ना करियो। मैं जद्दी पुश्ती अहले दी सारू वेखिया है, अल्लाह जानदा है उन्हां दा जिक्र वल इन्ना ध्यान है कि घर दे अंदर सुन्नत दे मुताबिक सलाम भी नहीं करदे, कसरत दे नाल सलाम भी नहीं करदे। ओए अज़कार दा अहतमाम करो, वज़ाइफ दा अहतमाम करो, दुआवां दा अहतमाम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़े जिक्र दसे ने इन्हां दा अहतमाम करो। फरमाया मैं जिंदगी खुशहाल कर देंगा, मुबारक कर देंगा। तो पता है सुबह शाम की अजकार अंदर एक जिक्र आंदा है, बिस्मिल्ला हिल्लाजी ला यजुर्रु मास्मे ही शैयन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। एक सहाबी बयान करते ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ही जेड़ा बंदा वजीफा पढ़ लवे ना उहदी जिंदगी अल्लाह तकलीफा मुसीबतां दुखां तो पाक कर देंदे ने। वह फरमाते ने मैं सारी जिंदगी पढ़दा रहा, अल्लाह पाक ने मैनू सारी जिंदगी रूहानी जिस्मानी बीमारियों तो महफूज फरमा के रखिया। और जो उन्होंने हदीस बयान की ना तो जो मेरे वाल रखे उन्होंने फॉलो जो होया सी, तो एक बंदा बोल के कहन लगा हज़रत जी तुसीं फरमांदे हो मेरी इन्हां दुआ की वजह तो जिंदगी बड़ी मुबारक रही है, पकीजा रही है, फितनियां तो बच के रही है, अल्लाह ने रूहानी जिस्मानी बीमारियां तो बचाया, तुहानू दे फालज होया। हज़रत फरमान लगे जिदन फालज होया उदन मैं दुआ पढ़नी भुल गया सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मखलूक बंदे दा नुकसान नहीं कर सकती जेड़ा औज़ु बिकलिमात इल्लाहि तामाते मिन शर्रे मा खलका पढ़दा। मैं किताबुल अज़कार दे चंद नुस्खे लैके आया बाहरों हासिल कर लिया जे, और लोगो अज़कार वाली जिंदगी बरकतां वाली जिंदगी जे, अज़कार वाली जिंदगी खुशी वाली। रसूल पाक ने सलाम दी एक हदीस अंदर मैं पढ़िया, नबी सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा सुबह दे जिक्र करदा है शाम दे जिक्र करदा है ओए बिलखसूस रात लेटन लगे अपने बिस्तर ते बावजू लेटिया कर। आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा दी आखरी दो आयतां कुल या युहल काफिरून आखरी तीनों कुल अल्लाह तबारक व ताला नजरे बद तो जादू तो हसद तो रूहानी जिस्मानी बीमारियां तो पाक जिंदगी अता करदा। जिन्नी खराबी जिन्नी बेचैनी है ए कुराने पाक मेरे हाथ अंदर है, कलमा पढ़ के जिस बंदे दी जिंदगी अंदर जिन्नी बेचैनी ज्यादा है वह जिक्र दे अंदर उस कदर ज्यादा गाफल है। रसूल पाक ने सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा लखवियात तो बच के जिक्र फिक्र दे नाल वक्त गुजारदा है वह इंज ही समझो कि एक बंदा जा रहा है उहदे मगर डाकू लगा है, उहदे मगर चोर लगा है, उहदे मगर उहदा दुश्मन लगा है, करीब सी कि वह दुश्मन उहदा उहनू पकड़ लवे, लेकिन वह अचानक एक कले दे अंदर दाखिल हो गया तो उन्हें दरवाज़ा बंद कर लिया, दुश्मन जेड़ा नाकाम हो के पिछे टुर गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान बंदे दा दुश्मन हर वेले बंदे दे मगर लगा रहिंदा है, ते जिदो बंदा जिक्र कसरत दे नाल करदा है ओ जिक्र दे कले अंदर आ जांदा है, अल्लाह पाक शैतान नू नकाम दे बर्बाद फरमा देंदे ने। और जेड़ा बंदा कसरत दे नाल जिक्र नहीं करदा وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا। غالباً اللہ پاک نے سورہ جن اندر فرمایا جڑا بندہ ذکر دا اہتمام نہیں کردا فرمایا اسی اونوں دکھاں دی وادی اندر لے جانے ہاں، اسی اونوں تکلیفاں دی وادی اندر لے جانے ہاں، دن بہ دن بربادی ول ٹر جاندا ہے، دن بہ دن اجڑدا چلا جاندا ہے، دن بہ دن ویران ہوندا چلا جاندا ہے، دن بہ دن عذاباں ول چلا جاندا ہے۔ کدے فرمایا وما
من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا فنحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى अल्लाह पाक ने कुरान पाक दी वाज़े आयत अंदर रखी है जेड़ा साढ़े जिक्र तो मुंह मोड़ेगा लघवियात च पै जाएगा बेहुदा मजाक अंदर पै जाएगा ना उन्हें सुबह दे अज़कार पढ़े ना शाम दे पढ़े ना रात दे पढ़े ना उन्हें घर दाखिल होने की दुआ याद ना बाहर निकलने की दुआ याद ना गमी खुशी की दुआ याद ना कोई तसीयत की दुआ याद। फरमाया जिस बंदे की जिंदगी जिक्र तो खाली होएगी अल्लाह फरमाते ने असी उसकी जिंदगी तंग कर देंगे। हुण मैनू इमानदारी नाल दसो हाँ साडी नौजवान नसल किहड़े पासे वे असीं समझिया कि साढ़े दुख टलणगे मैं दुबई टुर गया अमेरिका टुर गया यूके टुर गया। ओए करमाड़ियो अपने माँ बाप के कदमों च जिंदगी बसर करो अपने अथारियों च जिंदगी बसर करो अपने बीवी बच्चियों को जिंदगी बसर करो अपनी जिंदगी नू जिक्र वाला तू बना लै अल्लाह पाक तेनू दोवां जहानां दे खजाने अता फरमा देणगे। बीमारियां दा इलाज अल्लाह पाक ने जिक्र अंदर रखिया जे मुसीबतां दा इलाज जिक्र अंदर आईए जेड़ा मैं दूसरा अमल बयान करना चाहना हाँ हिफाजती पैकेज मैं बयान करना। हर बंदा परेशान हर बंदा दुखी हर बंदा बेचैन हर बंदा बेकरार हर दूसरा बंदा अपनी जिंदगी तो तंग तंग नजर आता है। फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़िकरिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ी انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون। लो जी मैं एक दुआ करना मुहब्बत ना आमीन भी कहो तो अमल करन दा भी इरादा करो। ये गफलतां चो बाहर निकलो अपनी औलाद नू गफलतां दी जिंदगी चो बाहर कढ़ो अपनी बेटी दी फिक्र कर। वैसे मैं एक छोटा जिहा सवाल करना कदी अपनी बेटी को आयतुल कुर्सी दा तर्जुमा भी सुने ते कहना बेड़ा गर्क हो गया यह तो कहना बेचैन है बेबाद कभी नमाज का तर्जमा भी सुने ही तैनू खुद नमाज का तर्जमा ना आए अपनी औलाद को नमाज का तर्जमा की सुनेगा। सब नालों बड़ा जिक्र है नमाज जे सब नालों बड़ा जिक्र कुराने पाक की तिलावत जे जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे जिक्र दे अंदर रहिंदा अल्लाह पाक उन्हों हिफाजत वाली जिंदगी देंदा अल्लाह पाक उन्हों खैरों बरकत वाली जिंदगी देंदा है। आइए हजरात इसी वकार में दूसरा अमल बयान करा। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जे चाहते हो अल्लाह पाक तुहानू लड़ाई झगड़े तो बचाए फितनियां तो बचाए अजमैशा तो बचाए अल्लाह पाक तुहानू ईमान दी मिठास अता फरमाए अल्लाह पाक तुहानू बरकतां ते बहारां अता फरमाए अल्लाह पाक तुहानू दुखां ते मुसीबतां तो बचाए। फिर हर अमल नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबक करिया कर। अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर मैं पैगाम देना चाहना वो अल्लाह दे बंदो सुन्नत बरकत है सुन्नत नूर है सुन्नत शिफा है। असल च ना कसूर साडा भी है मेरे अल वेखियो जरा कसूर साडा भी है। असी भी ना तुहानू जुमिया दे अंदर ते जलसिया दे अंदर सिर्फ इन्नी गल ही दसी है कि रफल दैन सुन्नत है सिर्फ उच्ची आमिल कहना सुन्नत है सिर्फ पैरों ना पैर लगाना सुन्नत है सिर्फ सीने ते हाथ बनना सुन्नत है और भाई इबादत अंदर सुन्नत है ते सेहत अंदर भी सुन्नत का ख्याल करिया कर तजारत अंदर भी सुन्नत का ख्याल करिया कर सियासत अंदर भी सुन्नत का ख्याल करिया कर अखलाक अंदर भी सुन्नत का ख्याल करिया कर। जिंदगी अंदर अजमैशा बर्बादी बेचैनी बेकरारी और जिंदगी दी परेशानियां दी एक सब नालों बड़ी वजह सियासत अंदर नबी पाक दी सुन्नत नहीं तजारत अंदर नबी पाक दी सुन्नत नहीं मुआमलात अंदर नबी पाक दी सुन्नत नहीं अखलाक अंदर नबी पाक दी सुन्नत नहीं।
अपने जेडे मामलात करते हो सुन्नत के मुताबक करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा कर्जे का लैण देन नहीं ना करता, तवज्जो रखना, जेड़ा बंदा कर्जे का लैण देन नहीं करता, लड़ाइया तो होंदिया ने, झगड़े तो होंगे ने, बंदे तो लै दे के मुकर जाते हैं, पर कर्जे का लैण देन कर लगा जेड़ा बंदा लिखे ना ना, अल्लाह उहदे ते इन्ना नाराज़ हो जाता रब उहदी दुआ ही कबूल नहीं करता। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ, ਗਵਾਹ ਬਣਾਓ, ਤਹਿਰੀਰ ਕਰੋ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਜ਼ਹਰ ਇਕਬਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਹਰੂਫ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾਤ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ, और तजारत अंदर नबी पाक की सुन्नत अमल कर, मामलात अंदर सुन्नत नहीं। वेख लो अदालत आबाद हो गई, जेल आबाद हो गई, वेख लो साडे मुल्क की हालत की बन गई। मामलात अंदर नबी पाक की सुन्नत देखिया कर, तरीका देखिया कर, तजारत अंदर नबी पाक की सुन्नत तरीका देखिया कर। साडे मुल्क के अंदर 90% तजारत नबी पाक की सुन्नत की मुखालफत। ओ मेरे प्यारे भाइयो, मैं तुहानू अज फिक्र देनी चाहना, सिर्फ रफुल देन सुन्नत नहीं, बख्शिश वास्ते सिर्फ रफुल देन वाली सुन्नत काफी नहीं, मामलात अंदर भी सुन्नत है, तजारत अंदर भी सुन्नत है। हुण मैनू इमानदारी दे नाल दसो, हाँ आ जिन्ने फ्राड हो रहे ने, जिन्नी जालसाजी हो रही है, सारा पाकिस्तान आशके रसूला ना भरिया है, सारा पाकिस्तान हो बेहले बैत ना भरिया है, तो माशाला बाहर निकल के मुसीतों वेख लो, अल्लाह की कसम एक शह भी खालस नहीं मिलती। डुब के मरन का मुकाम, गुस्सा ना करना, जे दाढ़ी वाला है तो भी फ्राड कर रहा है, नमाज वाला है तो भी फ्राड कर रहा है, को बेनमाज है तो भी फ्राड कर रहा है, उन्हें कोई हया नहीं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़िया है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मत्थे ते एक बददमा दाग बनता जा रहा हाँ, कल मैं अपने पैगंबर का सामना किवें करांगा। इबादत अंदर भी सुन्नत, मुआमलात अंदर भी सुन्नत, तजारत अंदर भी सुन्नत, और सियासत अंदर भी सुन्नत। अगर असी सियासत अंदर नबी पाक की सुनत में इख्तियार किया होंदा, यह तुहाडे मुल्क की हालत ना बनती, पाकिस्तान लड़ाकस्तान बन गया, खाना जंगी शुरू। तुहानू नहीं पता नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा वोटां दा लालची होवे उहनू वोट नहीं पाणा। तुहानू नहीं पता नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा ओहदा मंगे उहनू ओहदा नहीं देना, ओहदा अयाशी नहीं, कौंसलर, नाजम, MPA, MNA, जनरल, कर्नल और वजीर बनना एक कोई एजाज नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रसूल पाक सलाम ने फरमाया जिस बंदे नू दसां बंदियां दी जिम्मेदारी मिल गई ना, वह वजीर आला साहब, वह वजीर आजम साहब, वह कर्नल जनरल साहब, सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की है। एक तो नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा ओहदे दा लालची होवे उसनू वोट ना दियो, उहनू अपने बड़ा ना बनाओ, उहनू अपने ते मुसल्लत ना करो। और दूसरा नबी सलाम ने फरमाया अगर किसी बंदे नू दसां बंदियां दा भी निगरान बनाया गया ना, दसां बंदियां दा, ते उहने उहनां दे हक अदा ना कीते, उहनां नाल ज़ियाती कीती होई, फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उहदे दोवें बाजू पिछे बन के उल्टे मूँह जहन्नम रसीद कर देंगे। और भाई चेयरमैन बनना, नंबरदार बनना, काउंसलर बनना, जिम्मेदारी लेना, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नबी पाक ने फरमाया बच जाओ जिम्मेदारी लेने तो, अगर चाहते हो अल्लाह तुहानू फितनियां तो पाक जिंदगी अता करे, रूहानियत तुमानीनत अता करे, और जिक्र फिक्र वाली जिंदगी करो, अल्लाह पाक बरकत अता करदा जे, और दासियां महरूमियां तो बार करदा जे। हर काम अंदर नबी पाक दी सुन्नत दा ख्याल करो, तजारत अंदर, सियासत अंदर, मुआमलात अंदर, सेहत अंदर। अगर तुम चाहते हो ना कि अल्लाह बीमारियों तो बचाए, नबी सलात उसलाम की एक सुनत पर अमल कर लो, चलो दो सुनतों पर अमल कर लो। रसूले पाक सलाम ने फरमाया जदों घर च खाना बनाओ ना, उदों शोरबा ज़्यादा बना लिया करो। ए मैं मिंबर ते खड़ा, ए कुरान मेरे हाथ अंदर है,
अज भी अपने घर च रसूल अल्लाह की शोरबे वाली सुन्नत जिंदा कर दियो। अल्लाह तबारक व तआला तुहानू दर्जना बीमारियों तो सिर्फ शोरबे की बरकत दे नाल महफूज फरमा लैणगे। ये अमेरिका तुहानू पहले फास्ट फूड खवांदा, पीजे खवांदा, बर्गर खवांदा, सैंडविच खवांदा, पहले तुहानू फास्ट फूड दे के बर्बाद करदा, बीमार करदा, फिर अंग्रेजी मेडिसिन दे के तुहाडा इलाज करदा, पहले बीमार करन लई भी तुहानू लुटदा, फिर तुहानू दवाइयां ते भी लुटदा, और तुसीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत नू अपने घर अंदर जिंदा नहीं करदे। मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना बनाओ शोरबा ज़्यादा बनाओ, और दूसरे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बंदा अपना खाना घट कर दे ना, सिर्फ इन्ना क खावे कि उहदी कमर सीधी रहे। साडे ते इत्थे थक के नहीं छड़दे, रज के नहीं छड़दे, यब के छड़दे ने। यह हसन वाली गल नहीं, इन्हों चीज़ें ही तुहानू बर्बाद किया है। सा औखा हो गया, उठिया नहीं जाता, ना कोई पानी पीन की तरतीब है, ना कोई लुकमा चबान की तरतीब है। यह रसूलुल्लाह दा उम्मती है, वह मेरा कसूर है, मैं मिंबर ते शर्मिंदा खलोता वा क्योंकि मैं तुहानू सिर्फ इन्नी गल दसी है, क्योंकि मैं मनाजरे इस्लाम हाँ, मैं इन्नी गल दसी है कि रफल ते सुन्नत है बस। और मेरे प्यारे भाई नबी पाक ने फरमाया सिर्फ इन्ना खा के तेरी कमर सीधी रवे, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर सब खराबियां दी बुनियाद जे ज्यादा खाना। मेरे खुतबा जुमातुल मुबारक नु अपनी जिंदगी च लै के आ, रूहानी तौर ते जिक्र फिक्र करिया कर, अमली जिंदगी अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ते चलिया कर। अल्लाह मरण तो पहले तेनों इस जिंदगी अंदर जन्नत की खुशबू की पहली किस्त अता फरमा देंगे। अखलाक अंदर नबी पाक की सुन्नत इख्तियार कर, एवें गल्लां गल्लां किसी नूं जलील कर देना, मैनूं दसो हाँ किस नबी की सुन्नत है। तानो तशनी करना किहड़े नबी की सुन्नत है। वह गुस्सा ना करियो यार, साडा तो मिजाज ही बदल गया है, हुण असीं अपने मनपसंद खतीब रखे ने, एदको ए टून सुननी है, एदको आ शेर सुनने ने, एदको आ मजमून सुनना है, एहो जिहियां गल्लां तो सानू हजम ही नहीं हुंदियां। फरमाया जो इला जिल्लत व सिगारो अला मन खालफा अमरी, जड़ा बंदा नबी पाक फरमाते ने मामलात अंदर मेरी सुन्नत नू छोड़ेगा, तर्जमा सुनना हदीस दा मुसनद अहमद अंदर, आ जड़ा बंदा सेहत अंदर मेरी सुन्नत नू छोड़ेगा, मामलात अंदर मेरी सुन्नत नू छोड़ेगा, सियासत अंदर मेरी सुन्नत नू छोड़ेगा, तजारत अंदर मेरी सुन्नत नू छोड़ेगा, अखलाक अंदर मेरी सुन्नत नू छोड़ेगा, अल्लाह पाक उन्हां बंदियां ते जिल्लत ते रसवाई ते मुसीबतां दे ठप्पे मार देवेगा। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़िक्रल्लाह कसीरा। अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक च मेरे बेटो अगर ऐनी गल ही सीख के लै जाओ ना कि सिर्फ उच्ची आमीन कहना सुन्नत नहीं, थोड़ा खाना भी सुन्नत है, मामलात अंदर खरिया होना भी सुन्नत है, जे दाड़ी सुन्नत है तो तजारत के मामलात अंदर ठगी ना करना, चाइना की चीज ओरिजिनल कह के ना बेचना, यह भी नबी पाक की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा बाजार चो गया, मेरे ख्याल वेखियो वो एक बंदे ने ना बारिश हुई सी ते दाना गिला सी, लेकिन उन्हें ना गिले दाने जरा छुपाए सन, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा खलके खुदा नूं धोखा देंदा अल्लाह पाक उन्हूं मेरी उम्मत चों ही कढ देंदा है। फल यहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरे अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लो जी मैं दुआ करना मोहब्बत ना अमीन कहो सारे साथी माशाल्लाह ता हद निगाह बैठे हो, अल्लाह जिक्र फिक्र वाली जिंदगी दे दे। आमीन। सारे नहीं बोले, बच्चे खामोश रहो, सियाने बोलो, अल्लाह पाक सानू जिक्र वाली जबान दे दे। आमीन। यार गल सुनो, सारी बर्बादी ए जिक्र च गफलत की वजह तो जे
ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੌਸਤ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾ ਅੰਦਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਪੈਕੇਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੁਹਤਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਅਮਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। فرمایا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون। اللہ فرماندے نے اے تانوں زبان ذکر واسطے دتی ہے، بڑا ذکر کریا کرو، میں حیات طیبہ عطا کر دیاں گا ते नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक चलिया करो, मैं तुहानू पाक जिंदगी अता फरमा देंगा। हुण तीसरी बात ते गौर फरमाना, जेड़ा बंदा यह चाहता है कि अल्लाह पाक मैं अजमैशा तो बचाए, मुसीबतों तो बचाए, परेशानियां तकलीफा का अल्लाह बोझ हल्का करे। और तीसरा काम एवे फरमाया वा इवता अज़न रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वा ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं आम ऐलान कर दिता है, जे तुसी मेरियां न शुक्रिया करोगे मैं दुखां ते मुसीबतां दी चक्की अंदर तुहानू पी के रख देंगा, ते जे तुसी लम्हा लम्हा मेरा शुक्र अदा करोगे मैं अपनियां रहमतां ते बरकतां ते दित्तियां होईयां नेमतां दे अंदर इजाफे फरमा देंगा। और जवाना मेरे अल वेख, कैमरे नूं साडे इधर वेख, ओ नशुकरी ने सत्यानाश कीता ई, ओ नशुकरी दी लानत चो बाहर आ, शुक्रगुजार बंदा बन। आ मेरे तुहाडे ते अल्लाह दा छोटा फजल है, कित्थों मैं फैसलाबादों चलिया जुमा पढ़ाण आया, इंशाल्लाह अपने बच्चियां च रात वापस टुर जाऊंगा। तुसी भी किड्डी दूरों खुतबा पढ़न आए हो, बच्चियां च उठ के आए हो, बच्चियां च टुर गए हो। ओए बच्चियां च उठ के आना ते बच्चियां च उठ के टुर जाना, ये अल्लाह दा छोटा एहसान है। ओए लोग जेलां च धक्के खा रहे ने, ओए लोग अदालतां च धक्के खा रहे ने। मैं सुबह फैसलाबादों निकलिया तकरीबन 10 बजे के करीब, अदालतां भरिया, अदालतां च दुनिया रुल गई। अल्लाह ने तैनू मजूरी तो बचाया, मुहताजी तो बचाया, अल्लाह का शुक्र अदा कर। रसूल पाक सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा इस हाल च सुबह करे ना, उहदे कोल प्याला पानी का होवे, इधर वेखो प्याला पानी का होवे, ते उहदे कोल मसाला होवे, ते एक दो लुकमे खाण पीण लई उहदे कोल होण, ते सेहत उहदी ठीक होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने समझ लो अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया के सारे खजाने ही अता फरमा दिते। फरमाया जेड़ा बंदा शुक्र गुजार है, अल्लाह पाक शुक्र गुजारी की बरकत दे नाल अपने बंदे नूं अजमैशां ते दुखां तो बचांदा है। जे दुखां की चक्की च डिग भी पवे तो अल्लाह बाहर कढ़ दिंदा है। एक गल ध्यान नाल सुन लो, बेनमाज बंदा हज़ार वारी भी कहे ना अल्लाह की हाल है भाजी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, वह जबान नाल लफ्ज़े शुक्र अदा करन नाल शुक्र नहीं हुंदा। ऐ जाके घरां की कापियां ते मेरा जुमला लिख लियो, बेनमाज बंदा शुक्र गुजार नहीं जे, मुशरक बंदा शुक्र गुजार नहीं जे। जेड़ा कब्रां ते सजदे करे, बाबियां दे कदमां च सजदे करे, शिरकिया तवीज पाए, छल्ले कड़े धागे पाए, और जेड़ा बंदा गैरां दी चौखड़ ते जाके गिरे, अल्लाह दी कसम है ओ शुक्र गुजार नहीं जे। मुशरक परले दर्जे दा रब दा नशुकरा, बेनमाज बंदा परले दर्जे दा रब दा नशुकरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मी लम्मी तहज्जुद पढ़ते सन ना, ते गालबन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम तुहाडा गुनाह भी कोई नहीं, तुहाडी गलती भी कोई नहीं। ते अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी एडे एडे लम्मे रुकू करदे हो, कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन, खुदा खे न जाग इतना इबादत एहो जई होवे। इनी इनी रात लम्मा क्याम, हुण वेखो माशाला ताड़े जो कहीं 70 साल के बुजुर्ग भी बैठे ने, खुतबा खत्म हो चला है, तवज्जो करो, 70 साल बाबा जी ताड़ी उम्र हो गई है, 60 साल हो गई है। और पाओ इधर वेख,
तेरी उम्र 50 साल हो गई है, को तेरे को कोई अद्धे घंटे का एक भी सजदा है जिहड़ा अल्लाह की बारगाह च पेश कर सके? टकरा मार के उम्र गुजार दिती हो, कोई 35 साल का नौजवान मेरे मजमे चो उठे और कवे के शेख साहब मैं रात की तरीकी अंदर अपने अल्लाह के सामने 35 मिनट का सजदा करना, 40 मिनट का सजदा करना। आ जिंदगी च जिनी नौसत है अल्लाह की कसमें है ही नमाजा जदों दियाँ टक्कर बन गई ने ना, अल्लाह ने जिंदगी का नूर ही खत्म कर दिता है। वरना तनहाई च बंदा लम्बे सजदे करने वाला होवे अल्लाह अपने बंदे की जिंदगी की मट्टी भी सोना बना दिंदा। और बचियो जुमा पढ़ाना कोई कमाल नहीं, और जुमा सुनना कोई कमाल नहीं, ऐ मैं तुहाडे सामने पूरी जिंदगी का सिलेबस रख दिता है, नसाब रख दिता है, खुद भी इहदे ते अमल कर, अपनी नस्ल नूं भी इहदे ते चला, जिक्र वाली जिंदगी गुजार। बोल बोलन तो पहले हद्दा के रात नूं लेटन लगा भी रसूलुल्लाह दी सुन्नत दे मुताबिक लेट, हर मामले अंदर नबी पाक दी सुन्नत ते शुक्र गुजारी दी कैफियत अंदर रह। अल्लाह पाक दा ऐ कुरान पाक, वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, वरना अल्लाह पाक ने ना एक बस्ती सी उहदे खब्बे भी दो बाग सन, उहदे सज्जे भी दो बाग सन, ते तरोताजा फल अल्लाह देंदा सी। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा जदों उन्होंने साडे हुक्मां दा हया ना कीता, अपनी मनमानी शुरू कर दिती, बेदीन बन गए, साढ़े नाफरमान बन गए। फरमाया जिथे मिठे फल लगते सन असी कंडे ला दिते, और अल्लाह तबारक व ताला फरमाते ने असी उस बस्ती नू बर्बाद कर दिता। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने हल नू जाजी इल्लल कफूर, क्यामत तक जिहड़ा बंदा भी निशुकरी करेगा असी उहदी खुशहाली खत्म करके उहनू इबरत दा निशान बना देंगे। यार साडे मुल्क च कहड़ी नेमत नहीं, किहड़ी नेमत साडे मुल्क अंदर नहीं। आ वेख लो शिरक दे अड्डे इत्थे, बिदत दे अड्डे इत्थे, इधर वेखो जादू दे अड्डे इत्थे, हर शै च मिलावट इत्थे। होर दसो नशुकरी नूं सिंग लगे हुंदे ने। इह ते साडे बजुर्गां ने मेहनत करके खून दे के अल्लाह पाक दी रहमत वतन साडे लई बणिया, वरना ऐ पौनी सदी के अंदर असी जो मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिता। अल्लाह की इज्जत की कसम जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होंदी कि अल्लाह पाक मेरी उम्मत नूं खत्म ना करी, कोई ऐसा गुनाह नहीं जिहड़ियां पहलियां उम्मतां करदियां रहियां हुण ते साडे अंदर ना आया होवे। और जिस घर के अंदर शुक्रगुजार बीवी होवे ना, अल्लाह जानदा जे अल्लाह उस घर नूं भी बहार बना दिंदा है। और बुखारी शरीफ च वाकया आंदा ना हजरत इस्माइल की पहली औरत ने शुक्री, हजरत इब्राहिम ने फरमाया फारक कर दे इन उसत कर दी, ओ दहलीज है, ओ हजरत इस्माइल का घर है। शुक्रगुजार बीवी आ गई है, अल्लाह पाक ने रिजक की भी फरावानी कर दी है, अल्लाह ने बरकता ना भी माला माल फरमा दिता है। न शुक्री औरत कर दी नहूसत, खामद लई नहूसत, बच्चियां लई नहूसत। अगर किसी मुसलमान बेटी बहन मां तक मेरा पैगाम जाए, मैं रब दा वास्ता दे के कहना मौजज खवातीन की खिदमत गुजारिश करांगा, ओए घर की बरकत दा तुहाडी शुक्रगुजारी ते बड़ा इनहिसार है। फ्रिजा भरिया, हर नेमत मौजूद है, लेकिन फिर भी जुबान शिकवे करती नहीं थकती। लो जी मैं दुआ करना मोहब्बत ना, मैंने कहना अल्लाह पाक सानू शुक्रगुजार बना दे। और शुक्रगुजार वो बंदा होंदा जिहदे दिल च अल्लाह दा कोई गिला ना होवे, कोई शिकवा ना होवे। अल्लाह ने 5 साल पुत नहीं दिता, 10 साल पुत नहीं दिता, कर्जा नहीं अल्लाह ने उतारिया। अच्छा इहदा मतलब है रब ने गद्दारी शुरू कर दे, नमाजा नहीं छड़ दे ते मुशरक बन जा। आखिरी गल सुन लो, 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। मैं अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर जो हालात देख रहे ना मुल्क पाकिस्तान दे इजतमाई इनफरादी, मैं चाहना यह खुतबा हर मस्जिद अंदर बयान होना चाहिए। हिफाजती पैकेज इस फितने के दौर अंदर जी अजमैशा तो बचना चाहते हो, दुखों तो बचना चाहते हो, जिक्र वाली जिंदगी बनाओ, हर अमल नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक कर और शुक्रगुजारी करया कर। लम्बे लम्बे सजदियां का ना शुक्र है, तेरा अंदर भरया होवे, तेरे अंदरों आवाज़ पता की आवे, जुमला पसंद आए तो ईमान ताज़ा करी, तेरे अंदरों आवाज़ आवे या अल्लाह मैं तो पठियां के काबल भी नहीं सा, तो मैनू तो तू इनियां नेमतां देतियां ने, इनियां नेमतां दितियां ने अल्लाह, तू पूरी दुनिया से इहो जिहियां नेमतां किसी नूं दितियां ही नहीं।
कर अपने रब ते, हर वेले ललचाई नजर, हर वेले गंदी मक्खी दी तरह गंद ते ही बहना। अलहमदुलिल्लाह पढ़, अल्लाह दियां तरीफां कर, लम्मे सजदे कर। ते आखरी गल सुनियो, जे चाहते हो ना अल्लाह तुहानू मुबारक जिंदगियां दवे। यार मैं ए जड़ी चौथी गल कर लगा, मैं किवें तुहाडे दिल च उतारा, मेरे कोल खिताबत नहीं, अल्लाह की कसम मेरे कोल अंदाज नहीं, को मेरा वस चले मैं घोल के तुहाडे अंदर चौथी गल पा दिया। जे एक्सीडेंट तो बचना चाहते हो, जे मूसी अमराज तो बचना चाहते हो, जे घरेलू खानदानी तनजीमी झगड़िया तो बचना चाहते हो, चौथा अमल जिक्र ना छड़ियो, सुन्नत के मुताबिक कदम उठायो, शुक्र की कैफियत च रहा जे। ते चौथी गल, तेरी नस्ल चो भी रिजक नहीं मुकेगा, ते कोई अजमैश इंशाला तेरा बुआ नहीं टप्पेगी, जे आ गई ते अल्लाह दूर करेगा। चौथी गल पता केड़ी है, रोजाना बिला नागा रिजके हलाल चो सदका करिया कर, अल्लाह मुसीबतां दे बूहे बंद करके तेरे मन दियां सारियां मुरादां पूरियां फरमा देंगे। रोजाना सदका कर, ये भी मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, क्योंकि मैं मिंबर ते चढ़ के जदों भी सदके की गल की है ना, मैं मिल लानरां नूं मुखातब किया, मैं करोड़ां पतियां नूं मुखातब किया, मैं दसिया कि सदका देना सिर्फ उहदा काम है जिहड़ा फैक्टरी का मालक है। नहीं बेटा, तू 10,000 महीने का लैना, उस चों भी सदका करिया कर, डेली भावें 10 रुपये कर, भावें 20 रुपये कर। और बीमारां दी बीमारी वध के ही सदका नहीं करते, दुखियां दे दुख वध के सदका नहीं करते। बखील बंदा अल्लाह के उत्ते अपनी हर लानत मार देता है। जे चाहते हो अल्लाह तुहानू अजमैशां तो बचाए, दुखां तो बचाए, रुसन्ना सदका खिरात करो। ऐ कुराने पाक दे तीसरे पारे च अल्लाह फरमांदे ने, मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसल हब्बा अंबतत सबा सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मियातु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाया, जिहड़ा बंदा सदका करदा है ना रोजाना, वो इंजी समझे कि किसान ने एक दाणा दबिया सी, 7 बालियां, हर बाली च 100 दाने, उन्हें एक दाणा जमीन च पाया, असी कम अज़ कम 700 दाने वापस कर दिते। जिहड़ा साडे रस्ते च देंदा रहिंदा है, असी उहदे हर पासे बरकतां ते बहारां दे छट्टे ही मार दिंदे आ। ओ तैनूं जिम्मेदार अजे भी गल नहीं समझ आई? मेरा शर्म दे नाल सिर झुकदा है कि मज़र इकबाल साहब तेरे को तेरी जगह ते जाके उशर लैण जाण। मैं हैरान हो गया, बच्चिया ने मैनू हदीस सुनाई है, मैं बड़े बड़े मदारस अंदर जाना, बल्कि मेरी शर्त ही होंगी है कि मैं जुमा उत्थे पढ़ाना जिथे मदरसा हो। मैं हैरान हो गया, बच्चिया ने जबत दे नाल, मंजिल दे नाल, सिफात और मखारे की अदायगी दे नाल मैनू हदीसा अरबी दियां हिंज पढ़ के अंदर सुनाइया ने, जिवें बड़े वड्डे मुहद्दस ने। ते इन्हां बच्चियां नूं इन्हां सिटियां की खातर तरसांदे, जे उशर की खातर क्या हैसीयत है उशर की? इन्हां बच्चियां नूं तुसीं सोनिया दे चमचियां अंदर भी खिलाओ, इन्हां दी इज्जत दा हक अदा नहीं कर सकते। और मेरे नज़दीक ऐ कुरान मेरे हाथ अंदर, जे हस्पताल बनाओ अजर मिलेगा, डिस्पेंसरी बनाओ अजर मिलेगा, किसे बेवा ते खर्च करो अजर मिलेगा, लेकिन सब नालों ज्यादा अजर दे दीन दे मुजाहदां दे खर्च करिया कर। ओए तू ए वजीरे सेहत की इज्जत क्यों करना है? वजीरे आला की इज्जत क्यों करना है? वजीरे मुआसलात की इज्जत क्यों करना है? जुमला पसंद आया तो ईमान ताज़ा करी। अच्छा ए वजीरे सेहत है, ए वजीरे आला पंजाब है, ए वजीरे मुआसलात है, तो आ ते वजीरे कुरान बैठे ने। ओ तेरी यहूदियां वाली सोच किदन तो हो गई है? जिवें तेरे अपने बच्चे पालना तेरे ते फर्ज है, इस टाइम पूरी दुनिया की यहूदियत, पूरी दुनिया के मुलहिद जिवें मदरसियां दे खिलाफ हो चुके ने, इन्हां दीन दे दरवेशां दे खिलाफ हो चुके ने। मेरा फतवा जे जिवें घरां च अपने बच्चे पालना तुहाडे ते फर्ज है, इस तरह इन्हां बच्चियां नूं पालना, इन्हां नूं मुहब्बत देना तुहाडे ते फर्ज है। वो तुहाडे जिस्मानी बेटे ने, ऐ तुहाडे रूहानी बेटे ने, ते इस्लाम दे बेटे ने, ऐ वजीरे हदीस ने, कल दे इमाम ने, कल दे शेखुल हदीस ने। तो मेरे प्यारे भाइयो,
रोजाना घरों निकलन लगे, 5 रुपये 10 रुपये जॉब ते जान लगे आउन लगे, रोजाना 20-25 रुपए का छट्टा पा दिया कर खब्बे सज्जे, या हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इन्हां दरवेशां नूं कदी बिरयानी खिलाती कदी गोश्त खिलाता, जो अल्लाह ने तौफीक दिती खर्च कर दिया कर। अल्लाह तबारक व ताला तेरी नस्ल चों भी गुरबत चुक लेगा ते अल्लाह तेनूं हादसियां ते बीमारियां तो पाक जिंदगी अता फरमा देगा। इमाम हाकम रहमतुल्लाह अलैह ना इधर वेखियो, उन्हां दे ना फोड़े निकल आए चेहरे ते। आखिरी गल, उन्हां दे इक बड़े वड्डे उस्ताद सन, वह जुमा पढ़न गया, आख्या उस्ताद जी मेरी दुआ करियो। उन्हें दुआ की, उत्ते एक औरत नमाज पढ़न आई सी या सैड से औरतों वाली जगह पर बैठी सी, उन्हें आख्या इमामे हाकम बीमार हो गए ने। इधर वेखो, उन्हें रात तहज्जुद वेले उठी तो उन्हें दुआ की, या अल्लाह तेरे नबी दी हदीस दा खादम है, अल्लाह अपनी रहमत ना सेहत या फरमा दे। और दुआ करके हाजी साहब सौ गई तो ख्वाब च उन्हें वेख्या, उसकी रहनुमाई की गई कि इमामे हाकम नूं पैगाम पहुँचाओ कि किसी जगह पर पानी का कुआं लवा देवे, असी खैरों बरकत पा देंगे। उन्हें पैगाम घल्या, इमाम साहब ने सदके के तौर पर पानी का कुआं खदवाया या पानी का अहतमाम किया, जिहड़ी बीमारी कई साल ठीक नहीं हुई अल्लाह पाक ने लम्हे अंदर ठीक फरमा दी। मेरे नज़रों के सामने दर्जनों वाकियात ने, दर्जनों वाकियात, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं माजर चाहना। मैं अल्लाह की तौफीक ना तुहाडे सामने किनियां गल्लां बयान कीतियां ने, मैं 8 भी कर सकता सा, मैं भी कर सकता सा। जे अपनी जिंदगी सोहनी बनानी चाहते हो बर्दाश्त पैदा करो। गल गल ते भुड़कण वाला बंदा, ते गुस्सा विखाण वाला, ते मत्थे ते वट पाण वाला बंदा अपने पैरां ते आप कवाड़ी मारदा है, गुस्से जाना कोई अकलमंदी नहीं, बेवकूफ़ी दी इंतहा जे। मैं भी बयान कर सकता सा, लेकिन मैं 4 चीज़ां बेसिकल बुनियाद तुहाडे सामने रखियां ने, चलदे फिरदे बहिंदे जिक्र करदे रहा करो, और हर अमल नबी दी सुन्नत दे मुताबिक करना है, सिर्फ नमाज नहीं। और दूसरी गल, केड़ी कैफियत रहना है? तीसरी गल, शुक्र दी कैफियत। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओ मेरे ते रब दे बड़े फजल, ओ मेरे रब ते बड़ा राजी। मायूस नहीं होना जे पुत नहीं मिलिया, सेहत नहीं मिली, पैसा नहीं मिलिया, दुनिया की हैसीयत है। और आखिरी गल, रोजाना जिनी अल्लाह ने तौफीक दिती है रब दे रस्ते च खर्च करते रहे जे, और इन्हां मदरसियां नूं कंड ना करिया जे। मैं तुहानूं इन्नी गल ही कहना आ, मैं ते कारी साहब नूं वेखिया भी पहली दफा है, ऐ मेरे दिल की ख्वाहिश जे जिन्ने आए जे ना, इस मदरसे नूं अपना घर समझो। अल्लाह तुहाडी कंड नहीं लगन देगा, जो कुछ लिखिया बेच नसीब साढ़े उह ही तू लैना, उह ही मैं लैना। पाओ तेरिया मेरिया आकड़ा किस कारे, तू ही टह पैना तो मैं भी टह पैना, सदा आया तो बुकड़ा मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, उ तू सहना उ मैं सहना, मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा ना तू रहना। यार वक्त गुजर जाना है, इन्हें शेरा ना प्यार करके जाया जे, कदी कदी तुहानू इंशाल्लाह मेरी गल याद आएगी। इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने, जिन्हें रब दियां यारियां छड़ दित्तियां उन्हें जितियां बाजियां भी हारियां ने। बच्चियां दा कोई छोटा जिहा प्रोग्राम होएगा, काले ना प्यार करो, परेशान ना होया करो, जिनी देर बैठोगे अल्लाह इंशाल्लाह बरकत अता करेगा। एक बारी सारे मेरे सीने ठंड पा दियो, अल्लाह सानू जिक्र वाली जिंदगी अता फरमा। बेटा तुसी खामोश रहो, सियाने नूं बोलन दिओ, अल्लाह सानू जिक्र वाली जिंदगी अता फरमा। गल सुनो यार, खाना तो हुंदा, सौना तो हुंदा, चलना तो हुंदा, या अल्लाह हर काम सोने की सुन्नत के मुताबिक करन दी तौफीक अता फरमा। ओए गोली अंदर भी शिफा है, लेकिन नबी की सुन्नत अंदर 1000 दफा शिफा है। अल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमा। तो मालक एवें असी माड़िया माड़िया गलों से गले शिकवे करते रहने भा जी, लखा चो नहीं करोड़ों तो बेहतर हैं यार। और किसी मजूर न पुछ, और किसी नबीने पुछ, हाजी साहब 6-6 महीने तो बाप हस्पताल चा दे पूरा टब्बर धक्के खा रहे हस्पतालों के, 70% डॉक्टर डाकू बने ने। शुक्र कर तेरे बच्चे घर च ने, तू घर च अलहम्दुलिल्लाह, ना करया करन शुक्री। ते चौथी गल ए वे, अल्लाह सानू रोज़ाना अपनी राज सदका करन दी तौफीक अता फरमा। मैं अलहम्दुलिल्लाह 15-20 किताबां दा खुलासा तुहाडे सामने कीता है। आ रवायती जेड़ा एक शेरो शायरी का अंदाज़ है, इतकों हट के
मैं तुहाडे इस मजमे नूं गनीमत जान के एक संजीदा पैगाम तुहाडे सामने रखिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम जफर साहब के चैनल पर भी आ जाएगा, मेरे चैनल पर भी आ जाएगा। ये लिंक नूं आम करो और रमज़ान तो पहले पहले अजकार याद करो और सदका व खिरात का ज़ेहन बनाओ, शुक्र की कैफियत अंदर रहो और ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करो, सुन्नत के मुताबिक अमल करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।